असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी रविवार को धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। कोटा में भी विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जहां इस बार कोरोना का कहर दशहरे पर भी पड़ा है, तो वहीं कोरोना ने हर साल विजयदशमी पर दहन होने वाले रावण के कद को भी छोटा कर दिया। कोटा में जहां प्रतिवर्ष नगर निगम की ओर से भरने वाले दशहरे मेले में रावण की लंबाई बढ़ती जा रही थी, जो इस बार घटकर एक चौथाई रह गई। 18 फीट का रावण अपने कुंबे के साथ दशहरा मैदान में आ डटा, जिसका विधि विधान के साथ शाम 6:45 पर महाराज कुमार इज्जुराज सिंह के द्वारा अंत किया जाएगा। हालांकि इस दौरान दशहरा मैदान में आमजन का प्रवेश निषेध रहेगा। महाराज कुमार और निगम अधिकारियों की मौजूदगी में रावण दहन किया जाएगा। तो वही पहली बार निगम ने इको फ्रेंडली रावण का पुतला तैयार किया है, जिससे प्रदूषण नहीं होगा और लोग इस दहन का घर बैठे टीवी पर आनंद ले पाएंगे। मैदान है, यहाँ पर परंपरागत रूप से मेले का आयोजन होता है। इस बार कोरोना के चलते हुए गाइडलाइंस की पालना करते हुए मेले किसी प्रकार के मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है, परंतु जो परंपरा है उसका निर्वहन करने के लिए हमने एक बहुत ही प्रतीकात्मक रूप में बहुत छोटे साइज़ का रावण बनवाया है। लोगों की यहाँ पर एंट्री नहीं होगी, परंतु कुछ लोग जो इससे जुड़े हुए हैं वो लोग रहेंगे और रावण का दहन होगा। परंतु जो कोटा की पब्लिक है वो इससे जुड़ाव रहता है, मेले से जुड़ाव रहता है, रावण को देखने की सभी को ललक रहती है, तो उसको इस दृश्य को भी हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। हम लोकल चैनल के माध्यम से 111 वाला जो चैनल है उस पर सभी लोग वॉच कर सकते हैं। 7:45 इसका टाइमिंग है यहाँ से, और लाइव कराया जाएगा।